नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास थर्ड की ईवीएस की चौथी वीडियो में। इससे पहले तीन वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसमें हमने पांच पांच करके 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 से लेके 20 तक ईवीएस की क्लास थर्ड का। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 16 से लेके 20 तक की, जो आपको सीटेट में भी हेल्प करेंगी, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक टीचर हैं तो आपको जो हमारी एनसीईआरटी है उसको समझने में ये मदद करेगा कि एनसीईआरटी को हम पढ़ाने के लिए कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करें। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है, 16th चैप्टर जो है हमारा गेम्स वी प्ले एनसीईआरटी थर्ड क्लास में, उसकी समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये बुक जो है हमारी, ये गोल्डन पब्लिशर वालों की वर्क बुक है, लुकिंग अराउंड थर्ड क्लास, उसमें से समरी देखते हैं। वी प्ले सेवरल गेम्स इनसाइड आवर हाउसेज एंड आउटसाइड। हम अलग अलग प्रकार के हम खेल खेलते हैं, कुछ घर के अंदर खेलते हैं, कुछ घर के बाहर जाके हम खेलते हैं। द गेम्स वी प्ले आवर इनसाइड एंड हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो खेल हमारे जो होते हैं वो इंडोर गेम्स होते हैं, जो हम घर के बाहर जाके खेलते हैं वो हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स भी हैं, आप पढ़ लीजिए। गेम्स हेल्प अस कीपिंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ बैलेंस्ड। जो खेल होते हैं वो हमारी बॉडी को और हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसको तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट हॉबीज़, हमारी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, जैसे लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, और कुछ लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स और खेलना पसंद करते हैं। ये सब समरी थी। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी के जो कुछ पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 16, गेम्स वी प्ले, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स से रिलेटेड है ये चैप्टर। नेम ऑफ लोकल गेम्स, बच्चों से पूछिए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से लोकल गेम्स खेले जाते हैं, छोटे बच्चे जो खेलते हैं। स्टेपो, हॉप्स को, चार खाने, कंचे, लूडो, सांप सीढ़ी और ताश के पत्ते। ताश के पत्ते पहले बच्चे भी खेलते थे, लेकिन आजकल तो जुए में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये। 106 पर टीचर्स नोट दिया गया है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फेमस लोकल स्पोर्ट पर्सन विल इंक्रीज चिल्ड्रन नॉलेज ऑफ गेम्स एंड ऑल्सो डेवलप देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दोज पीपल। तो आसपास जो बच्चों के ऐसे लोग हैं जो लोकल गेम्स से रिलेट करते हैं, उन बच्चों को बोलिए कि उनसे बात करें, उनके फैमिली मेम्बर से बात करें या फिर उनके बारे में पढ़ें, ताकि बच्चे जो हैं उनकी रेस्पेक्ट करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसमें आपके जो इंडोर और आउटडोर गेम्स के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो हम अंदर भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा 17वां चैप्टर है, हेयर कम्स अ लेटर। इसमें जो एक लेटर है, जो एक पत्र है, उसको कैसे लिखा जाता है, कहाँ से फिर वो लेटर कहाँ जाता है, उसके बारे में बताया गया है। लेटर इज रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए, लेटर आजकल चलते नहीं है, इसीलिए बच्चे बिल्कुल भूलते जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या था। ये एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, लिखित में, लिखित संवाद। लेटर्स आर द ओल्डेस्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा पुराना यही लेटर जो था वो संसाधन है, इसके संचार के साधन है, कम्युनिकेशन होता है संचार। देर आर वेरियस फॉर्म इन विच अ लेटर कैन बी सेंड, सम ऑफ दीज आर पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, एनवेलप, एरोग्राम। बिकॉज वी रिसीव द लेटर, इट कवर्स अ लॉन्ग जर्नी एंड गोज थ्रू वेरियस सेंड्स एंड प्रोसीजर्स। जब हमारे पास कोई पत्र आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है, बहुत सारे हाथों से होकर वो गुजरता है। कहीं पे जाके स्टैंप लगती है, कहीं पे जाके फिर दूसरे जगह पोस्ट ऑफिस में वो जाता है, उस पोस्ट ऑफिस से वहाँ का उस एरिया का जो पोस्टमैन है उसको उठाता है और हमारे घर तक लेके आता है। वी ड्रॉप द लेटर इन अ लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डाला जाता है। फ्रॉम द लेटर बॉक्स द लेटर आर टेकन टू द पोस्ट ऑफिस वेयर दे आर स्टैम्प्ड एंड फर्दर सेंड टू द एड्रेस वेयर दीज आर टू बी डिलीवर्ड। तो देखिए, जो ये प्रोसेस है उसमें क्या होता है, पहले हम लेटर लिखते हैं, उसके बाद लिखा हुआ जो लेटर है वो हम लेटर बॉक्स के अंदर डाल के आते हैं। लेटर बॉक्स के अंदर से वहाँ उस एरिया का जो पोस्टमैन है वो उसको निकालता है, वहाँ से निकाल के वो वहाँ अपने पोस्ट ऑफिस में ले जाके उस पर स्टैंप लगाता है और वहाँ से उसको लेटर को भेज दिया जाता है ट्रेन के द्वारा। और ट्रेन के द्वारा जब वहाँ पे पहुँचता है लेटर अगले सिटी में, तो वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से पोस्टमैन उसको लेकर एड्रेस तक पहुँचाता है। इन अर्लियर डेज लेटर वॉज सेंट थ्रू अ मैसेज बाई पीजन्स।
कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। गाना भी आपने सुना होगा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। नाउ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम फास्ट। वी यूज टेलीफोन्स, ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप एज दे इंस्टेंटली रीच। हाँ भाई, पहले जो मैसेज हुआ करते थे वो थोड़ा लेट भी चले जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो मैसेज अगर 1 मिनट लेट हो जाए ना तो उस पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वी शुड राइट पिन कोड नंबर आफ्टर द एड्रेस। हर एक सिटी का अपना अपना, हर एक सिटी के हर एक जो पिन नंबर होता है वो अलग अलग होता है। PIN पिन नंबर जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। इट हेल्प्स इन रीचिंग दी लेटर फास्टर, ये मदद करता है। देखिए अगर हम एड्रेस ही ढंग से नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि हमारा लेटर ना पहुंच पाए, या फिर अगर पहुंचे तो बहुत लेट पहुंचे। इट हेल्प्स इन रीचिंग द लेटर फास्टर। पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स। अच्छा, दिया हुआ है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। देखते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं एयरकम्स लेटर के एनसीईआरटी में से। ये चैप्टर जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। लेटर बॉक्स से पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ पे स्टैंप लगती है। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ पे सोर्टिंग होती है एरिया के हिसाब से कि ये वाला उस एरिया में जाना है, ये साउथ की तरफ जाना है, ये ईस्ट की तरफ जाना है, ये नॉर्थ की तरफ जाना है, और वहाँ से जो पोस्टमैन वो एड्रेस तक पहुँचा देता है। पेज नंबर 111 पर टीचर्स नोट दिया गया है। चिल्ड्रन एन्जॉय शेयरिंग देयर न्यूज़ बाय राइटिंग लेटर इन क्लास। बच्चों को बोलिए कि आप आपस में लेटर लिखें, लेकिन ये करते समय बच्चों को ये जरूर बोल दीजिए कि अपनी कॉपी में से कोई भी पेज नहीं फाड़ना है। घर से एक A4 साइज शीट लेके आइए, उस पर आप लेटर लिख के एक दूसरे से बात कीजिए, ठीक है। और जब बच्चे ऐसे लेटर लिख लिख के बात करेंगे तो उनको लेटर लिखने की हैबिट होगी, लेटर लिखना उनको आएगा, उनको फॉर्मेट समझ में आएगा। वैरायटी ऑफ लेटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के लेटर होते हैं। इनलैंड लेटर होते हैं जो एक ही कंट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पोस्ट कार्ड होते हैं, एरोग्राम्स जो होते हैं। पोस्ट कार्ड जो होता है एक एक ही कार्ड होता है, उसके लिए हमें एनवेलप की ज़रूरत नहीं होती है। एरोग्राम वो लेटर्स होते हैं जो एयर मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और ये इसका लिफाफा भी सेम ही होता है। मतलब जो लेटर है उसी को फोल्ड करके पेस्ट कर देते हैं और उसी के ऊपर फिर पीछे की तरफ एड्रेस लिख देते हैं। पेज नंबर 113 पर दिया गया है टीचर्स नोट। ओल्ड पीपल आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट पास्ट। ये पहले भी हमने जब यातायात के साधन पढ़े थे उसमें भी बताया था कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनसे हम पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चों की नॉलेज इंक्रीज होगी पिछले टाइम के बारे में। तो उनसे पूछे कि आपके टाइम में मैसेज एक दूसरे को कैसे पहुंचाया जाता था। पेज नंबर 115 पे कीप इन माइंड द टुडेज चाइल्ड एनवायरनमेंट डिस्कशन, न्यू कम्युनिकेशन शुड बी देयर। अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चे आजकल इतने एडवांस, बच्चे नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल बच्चों को पता नहीं कि लेटर कैसे लिखा जाता था, कैसे पहुंचता था। उनको बस आजकल व्हाट्सएप, ईमेल और ये सब पता नहीं क्या क्या आ गया है, जिससे 1 ही सेकेंड के अंदर हम दूसरे से बात कर सकते हैं। बात करते हैं अगले हमारे चैप्टर की। चैप्टर नंबर 18 है हमारा, ए हाउस लाइक दिस। चैप्टर नंबर 18, समरी। एवरी पर्सन नीड्स अ हाउस टू लिव इन। सबको अपना अपना घर चाहिए। हाउसेज आर डिफरेंट टाइप बिल्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन। जो हमारे जो उस जगह की परिस्थिति है उसके हिसाब से घर बनाया जाता है, ठीक है। हाउसेज इन हिली एरियाज और मटेरियल जो अवेलेबल है, और जिसके पास जितना पैसा है उससे, ये सबको पता है कि किसी के पास कम पैसा है तो छोटा घर बनेगा, बड़ा पैसा है तो बड़ा बड़ा घर बनेगा, और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो घर के अंदर पता नहीं क्या क्या भी लगवा देता है। हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स ड्यू टू हैवी रेन एंड स्नोफॉल। जो स्लोपी रूफ बनाई जाती है, ऐसी दीवारें जो बनाई जाती है ताकि बारिश आए तो वो इससे टकरा के सीधी नीचे जाके गिरे। ऐसे ही जो बर्फ़ गिरती है वो जो स्लोपी जो रूफ होती है उनके ऊपर गिर के सीधी नीचे जमीन पे गिरे, इकट्ठी ना हो जाए ऊपर, इससे तो सीलन आ जाएगी और सारी दीवार पे पपड़ियाँ जम जाएंगी। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस सच एज कच्चा हाउस, पक्का हाउस, वुडन हाउस, कॉटेज, विला, बंगलो, हट, झुग्गी, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हाउस बोट एटसेट्रा। देखते हैं पॉइंट कौन कौन से लिखे गए हैं इसमें से। ए हाउस लाइक दिस, पेज नंबर 116 पे, डाइवर्सिटी ऑफ हाउस एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, चिल्ड्रन विल बी अवेयर ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो अवेयर होंगे कि क्लाइमेट कंडीशन भी हर जगह की अलग अलग होती है। कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर बर्फबारी होती है।
अब एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए थे, असम के बारे में एक लड़का बताता है कि ये मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 10 से 12 फीट हमारा ऊपर ग्राउंड के होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जब बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊपर जमीन से बनाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये बांस के जो डंडे होते हैं उनके ऊपर घर बनाया जाता है। मनाली, मनाली में एक लड़की बताती है कि रेन्स एंड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। हाउस जो होते हैं या तो वो पत्थरों से बनाए जाते हैं या फिर वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी जो होती है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, उसके अंदर से जो हीट है वो पास नहीं होती, इसलिए वो घर को गर्म गर्म रखने में मदद करती है। जो बाहर का जो ठंडा एनवायरनमेंट है वो अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, वो भी सही निकला है मुँह से। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, जो लोग हैं वो इतने आ गए हैं कि वहाँ पर रहने के लिए घर कम है और आदमी ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर देते हैं। स्लम एरिया हो गया है बहुत ज़्यादा दिल्ली में, कुछ लोग जहाँ पे भी जगह मिल जाती है फुटपाथ वगैरह पे सो जाते हैं। राजस्थान के बारे में एक लड़का बात कर रहा है, लेस रेनफॉल बहुत ज़्यादा, रेनफॉल कम होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो हम यहाँ पे मिट्टी के घर बनाते हैं जिससे घर जो है वो थोड़ा ठंडा रहे। पेज नंबर 120 पर टीचर्स नोट दिया गया है, डिस्कशन अबाउट हाउसेज एंड होमलेस पीपल शुड बी डन विद सेंसिटिविटी। देखिए, आप अगर घर के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात कीजिए ताकि आपकी क्लास के अंदर आपकी क्लास के अंदर कोई अगर ऐसा बच्चा बैठा है जो या तो जिसका घर बहुत छोटा है या फिर जिसके पास घर नहीं है और वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, तो उसको बुरा ना लगे, तो थोड़ा सा सेंसिटिव ये केस हो जाएगा। पेज नंबर 123 पर दिया गया है, टीचर्स नोट, बाय कलेक्टिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड बेटर अबाउट मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। बच्चों से हम देखिए अब क्या क्या करवाना पड़ता है बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करवाने के लिए। बच्चे आसपास से मटेरियल इकट्ठा करें घर बनाने वाला, ताकि वो समझ सके कि कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। चैप्टर नंबर 19 देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो सीटेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, 3rd से लेकर 10th क्लास तक की हमें साइंस कवर करनी है। चैप्टर नंबर 19 है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। समरी दी गई है, सम पीपल लव एनिमल्स सो मच दैट दे कीप देम इन देयर होम्स। हम पेट रखते हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, और जो जानवर हमारे साथ रहते हैं उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। एनिमल ऑल्सो फील लाइक अस। एनिमल जो होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग होती है, उनके अंदर भी जज्बात होते हैं, उनको भी दर्द होता है। ये सब आप बच्चों को बताइए ताकि जो बच्चे होते हैं वो जानवरों से छेड़छाड़ ना करें, उनको तकलीफ ना पहुँचाए, उनको मारे पीटे ना। एनिमल्स हेल्प अस अलॉट, डॉग्स गार्ड आवर हाउसेज। जो जानवर होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, हमको पता है कौन कौन से जानवर हमारी मदद करते हैं। गाय भैंस जो होती है वो हमें दूध देती है, बकरी हमें दूध देती है, कुत्ता जो होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, ऐसे ही खच्चर और घोड़े जो होते हैं वो सामान ढोने का काम करते हैं। वी शुड लव एंड केयर फॉर एनिमल्स। द डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, जो जानवरों का इलाज करता है उस डॉक्टर को बोलते हैं हम वेटरिनरी डॉक्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। आवर फ्रेंड एनिमल्स, डिस्कशन ऑन फीलिंग इन एनिमल विल हेल्प डेवलप सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रन टुवर्ड देम। अगर हम एनिमल की फीलिंग के ऊपर डिस्कशन रखेंगे क्लास में तो बच्चे जो हैं उनको जानवरों के प्रति सेंसिटिविटी आएगी, संवेदनशील वो होंगे। पेज नंबर 127 पे दिया गया है नोट कि वी कीप पेट, देयर रिलेशनशिप विल हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग इन एनवायरमेंट। हमें जो है वो बच्चों को बताना है कि जो ये रिलेशनशिप है हमारा एनिमल्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे बिना एनिमल कुछ नहीं कर पाएंगे और एनिमल्स के बिना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे मतलब ये नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। हु ईट्स हुम, फूड वेब, फूड चेन। जानवर जो होते हैं कौन किसको खाता है ये आप बच्चों को बताइए कि जो फूड वेब होता है वो एक ब्रॉडर टर्म है। फूड चेन क्या होती है कि चूहे को खाती है बिल्ली, बिल्ली को खाता है कुत्ता, ऐसे ही। लेकिन जो फूड वेब है उसमें एक पूरा वेब बन जाता है। वैसे ही 9th क्लास में भी फूड वेब को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, 9th और 10th क्लास में। अभी सिर्फ हम बच्चों को बताना है कि कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। पेज नंबर 130 पर टीचर नोट दिया गया है, पैट द एनिमल लविंगली, डू नॉट टीज दैम। जानवरों को तकलीफ ना पहुंचाएं।
तो चैप्टर नंबर 19 में इतना ही था, बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 20 की। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप से आप समझ गए होंगे ये जो चैप्टर है ये हमारा वाटर से रिलेटेड है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस फॉर अस, बहुत ज्यादा कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें एक भी बूंद जाया नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग, कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पे पानी की बहुत कमी होती है और लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। वी शुड कंजर्व वाटर बाय हार्वेस्टिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट, हमें पानी को बचाना चाहिए। वाटर इज लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बींग, एनिमल एंड प्लांट्स, जो पानी है वो हमारी जिंदगी है। ड्रॉप बाई ड्रॉप एनसीईआरटी में दिया गया है वाटर, ये एक मैंने बनाया है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो कैसे किया जाए। छतें ऐसी बनाई जाए टंकी की तरह ताकि इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए और वो इस पाइप के थ्रू जाके नीचे अंडरग्राउंड में पानी स्टोर हो जाए और जब हमें उसको इस्तेमाल करना है हम मोटर लगा के उसको इस्तेमाल कर ले या फिर हैंडपम्प लगा के इस्तेमाल कर ले। ये होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पेज नंबर 135 पर टीचर्स नोट दिया गया है, लेट चाइल्ड नो दैट वाटर इज फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत महसूस होती है और एक जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चे पानी को बिल्कुल वेस्ट करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं और नहाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। रीयूज ऑफ वाटर बच्चों को सिखाएं कि हम कैसे एक ही पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पानी है अगर हमें गाय भैंस को नहलाना है तो हम गार्डन के अंदर जाके नहलाएं ताकि जो पानी है वो पेड़ पौधों को दिया जा सके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर नंबर 16 से लेकर 20 हमने कवर किया है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 21 से लेकर बचे हुए जितने भी चैप्टर हैं हमारे, 21 से 24 चैप्टर हैं टोटल शायद इस किताब में, हाँ 24 हैं। तो ये सभी हमने कवर कर लिए हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप तक। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट से लेफ्ट राइट ए ब्यूटीफुल क्लॉथ और वेब ऑफ लाइफ, यहाँ तक हमें कवर करना है अगली वीडियो में। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।